तो जी अभी हम टनल में रुके हुए हैं। ये रहे वो भाई, तो ये क्यों नहीं रोक रहा था फिर? यहाँ पे भी, वहाँ पे भी। तो कौन सी आत्मा को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। एक नंबर बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंदर न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूं ऑल ऑफ यू वेल, आप सभी लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। तो ये है जी पिछले वाले व्लॉग का दूसरा पार्ट। जैसे कि आपको पता ही था मैं भानुहाल आया था, तो मैंने वहाँ से खाना वाना खा लिया था। अभी हम निकल चुके हैं वापस घर की ओर। तो ये है जी भानुहाल का रेलवे स्टेशन। लिखा द माउंटेन्स, आप देख सकते हो पहाड़ कितने खूबसूरत है। तो अभी मैं आराम से चल रहा हूँ, अपना मस्त 40 की स्पीड में चल रहा हूँ। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर, यहाँ से टोल प्लाजा है जी 1 किलोमीटर। तो हमें कोई टोल वोल तो नहीं भरना पड़ता, क्योंकि बाइक वाले को टोल नहीं भरना पड़ता। अभी मैं चल रहा हूँ मस्त अपना 60-70, तो मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। जल्दी से जल्दी 1 के करवा दो, एक सौ आप सभी लोगों के लिए। ऐसे मुझे नहीं रोकेंगे यहाँ से। हमें भी तो ये करना पड़ता है क्या? ये क्यों मुझे रोक रहा था फिर? मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा आज राइड करने में, बट शुक्र अल्लाह का आपका अच्छा खासा जा रहा है अभी तक सब कुछ। आप देख सकते हो यहाँ, यहाँ से भी, यहाँ से कितने खूबसूरत है। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ टनल में, लिखा टनल देख सकते हो। हमें यहाँ से वापस जाना है। आने के टाइम तो इतना खूबसूरत नहीं है, तो जाने के टाइम एक नंबर। तो अभी मैं कहीं पर बाइक रोकता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं वापस। तो अभी मैं टनल में रुक चुका हूँ, अभी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से वापस निकलते हैं घर। क्यों पीछे से शोर आ रहा है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है बोलने का, अभी फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे कुछ बोलने का। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ वापस घर की। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझे भी, हर कोई मुझे दूर के देख रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे एक भाई मिल चुके हैं, ये भी व्लॉगिंग करते हैं, मुझे आ रहे थे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक किए। तो ये रहे वो भाई, तो ये भी व्लॉगिंग करते हैं, जो मुझे आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोज लिए साथ में, थोड़ा सा एंजॉय भी किया। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं वापस। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged. एक नंबर मजा आ रहा है, अभी 100 की स्पीड में चल रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतना ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे। शुक्र अल्लाह का, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अभी टनल खत्म होने वाली है, अभी हम करेंगे टनल पे बाय बाय। तो अभी हम लोगों ने किया भानुहाल को बाय बाय। अभी हम वापस आ चुके हैं कालजीगंज। यहाँ पे तो मौसम खराब है, आने के टाइम तो मौसम अच्छा खासा था, जाने के टाइम जब इंसान कहीं करेगा ना, कहीं जाने की कहीं आने की, तो इंसान कुछ भी पॉसिबल कर सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज ये शायद रोकते हैं कोविड टेस्ट के लिए। तो हमें लेना है कि यहाँ से राइट वापस घर की ओर। मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा आए थे वहाँ जाने में, बस शुक्र अल्लाह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा अभी तक। और इंशाल्लाह आगे का सफ़र भी ठीक रहेगा। मैंने बोला है मैं यहाँ से वापस नहीं आऊँगा, मैं किसी यहाँ के रास्ते से मुझे वापस ही आना पड़ा। अगर कुछ कहना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ हासिल होगा। तो जहाँ से हम आए थे उसी वाली रोड से वापस भी जा रहे हैं। मैंने सोचा था मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, और यहीं से वापस भी जाना पड़ा। क्या ही कर सकते हैं, यह प्रॉब्लम बोले बोले अभी कोई रास्ता है ना, हमको मदद करनी चाहिए यार। तो अगर रास्ते में कोई हाथ देगा ना, रुकना चाहिए, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी हम भी फंस सकते हैं कहीं से। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारी हेल्प भी कोई करेगा। यहाँ से रोड की कंडीशन देख सकते हैं, रोड के हालात चलो शुक्रिया। तो रास्ते में हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, जो भी हाथ देगा वो रुकना चाहिए। तो ये वाला रास्ता भी जाता है, जाता है दूर की तरफ। यहाँ पे है जी रसूल मीर की ज़ियारत, ये रही रसूल मीर की ज़ियारत यहाँ पे। तो हमें जाना है जी यहाँ से वापस घर। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पे हर कोई आ रहा है फोटो शूट के लिए। वाह,
क्या बात है। अरे वाह रे वाह, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, आज हर कोई यहाँ पे आप फोटोशूट करने के लिए क्या ले? अपने तरीके से ये भी इंजॉय कर रहे हैं। जब भी आप इन जगहों पे बाइक राइड करोगे ना, आराम से चलना चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर आगे से कोई गाड़ी आई, खुदा न करे कुछ हुआ, तो फिर क्या फायदा। एंड हॉर्न यहाँ पे सबसे मस्त है, क्योंकि ब्लाइंड कलर होते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे ब्लाइंड कलर है, पता नहीं आगे से गाड़ी आ रही कि नहीं। हॉर्न करनी चाहिए, यहाँ से चलना पड़ेगा जी आराम से, क्योंकि यहाँ से रोड की हालत खराब। बट मैं आराम से चलने वाले में से नहीं हूँ, मैं हर हमेशा दबा के चलता हूँ, क्योंकि पहले अल्लाह ताला पे भरोसा, फिर खुद पे भरोसा। खुद को तो कभी गिरने नहीं दूंगा। तो गाइस अभी हम साहबगंज वापस पहुँच चुके हैं, पता नहीं 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ से हमें घर तक। शुक्र अल्लाह का आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं घर पहुंच चुका हूं, अभी मैं फ्रेंड के शॉप पे हूं। तो अभी क्या करते हैं, इस व्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय।